नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ सिलाई की कुछ जुगाड़ शेयर करने जा रही हूँ जो मैं हमेशा आजमाती हूँ। आशा करती हूँ आपको भी वो बहुत यूजफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई कुर्ती हिप में टाइट हो रही हो तो आपको सबसे पहले जो स्लिट्स होते हैं, हमारे साइड स्लिट्स, उनकी सिलाई खोल दीजिएगा और फिर उसके बाद ये वाली फिटिंग वाली सिलाई आप बाहर की तरफ से ले सकते हो। बस आधा इंच का मार्जिन छोड़ दीजिएगा, क्वार्टर या आधा इंच छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब उतने मार्जिन में मैं आपको स्लिट्स जोड़ना बता दूंगी। तो यहाँ पर आपको बस एक छोटा सा मार्किंग करना है इस तरीके से। यहां तक हमारी फिटिंग सिलाई है। अब ये बस ऊपर वाला लेयर हमें कट करना है, नीचे वाला नहीं करना। बस ऊपर वाले लेयर को मैंने कट दे दिया है। अब यहां पर हम एक पट्टी लेंगे, कोई भी मैचिंग कलर के कपड़े की। सीधे कपड़े में पट्टी काट के लीजिएगा 1.5 इंच चौड़ी। उसके आधा आधा इंच दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसे इस्त्री करके लीजिएगा। अब ये तैयार आधा इंच हो जाएगी। जितनी स्लिट्स की लंबाई है उतनी पट्टी रखिएगा और उसको सेंटर में पकड़िएगा, जैसे मैंने अभी पकड़ा है। और जो फिटिंग वाली सिलाई है हमारी ऊपर की तरफ, उसी सिलाई के ऊपर रखकर यहां से इसको सिल दीजिएगा। आपके पास ड्रेस के कपड़े से पट्टी नहीं है तो आप कोई भी मैचिंग कलर की पट्टी ले सकते हो। सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस पट्टी को इस तरह से मोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मोड़ने से पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई। अब यहां से आपने जितना मार्जिन छोड़ा है, अगर आपका 1/4 इंच ही मार्जिन बचा है तो उतना ही उसी लाइन को पकड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। अगर आपका आधा इंच मार्जिन छूटा है तो उतना ही पकड़ते हुए पट्टी को सिलना है, ठीक। तो देखिए इस तरीके से मैं उतना ही मार्जिन पकड़ी हूं जितना मेरा मार्जिन स्लिट्स के लिए छोटा है। अब बस सीधी सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा कम पड़ जाता है, हिप में कपड़ा इनफ नहीं होता है, तो उस टाइम आप ये ट्रिक जरूर आजमाइएगा। तो ये सिल दिया है। अब इस साइड में भी पट्टी लगानी है, उसके लिए मैंने इसको घुमा के ले लिया। अब जो पल्ला, जिस पल्ले में हमें पट्टी जोड़नी है, नीचे का पल्ला हो गया, अब इस पल्ले में जोड़नी है, तो इस पल्ले को उठा के इस तरह से लेंगे और फिर इसको इस तरह से सीधे में रखेंगे। अब ये पट्टी देखिएगा नीचे तक कहां तक जा रही है, यहां से पकड़ेंगे। ना टाइट पकड़ना है ना लूज पकड़ना है, एकदम बराबर से इसको पकड़ते हुए नीचे तक नाप दीजिएगा, क्योंकि सिलाई हमें नीचे से लगानी है। तो इस तरह से नाप के ले लिया। अब यहां से सिलाई को शुरू करेंगे। अब ये भी जितना मार्जिन छोड़ा है उतना ही लेते हुए सिलाई लगानी है। तो बस मैं पट्टी के किनारे से सिलाई लगा रही हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें ना खींचना है पट्टी को ना कुर्ती के कपड़े को खींचना है। जितना मार्जिन है बस उतना पकड़ते हुए ऊपर तक सिलाई को लेके जाइएगा। तो यहां पर हम ऊपर तक आ गए हैं। अब यहां पर हम कोना बनाएंगे, ठीक। तो यहां पर थोड़ा सा क्लोथ से दिखाती हूं। ये देखिए, यहां तक मैंने सिलाई लगा दी ऊपर तक। सिलाई लगने के बाद अब इस साइड में ये इस तरह से सिला है और इस साइड में भी सेम तरीके से। अब इस पट्टी को हम उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे और इसको दूसरी सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब यहां से हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को मैंने एक्स्ट्रा का था उसे कट किया। अगर पहले से ही आपके बॉटम फोल्ड है तो इस तरीके से फोल्ड इसको कर दीजिएगा। अगर आपके बॉटम फोल्ड नहीं है, जैसे मेरे अभी बॉटम फोल्ड नहीं है, तो मैं इसको यहां से कट कर दूंगी और इसे सिल के फिर बॉटम फोल्ड करूंगी। दोनों तरीके आप आजमा सकते हो। अब यहां से मैं पट्टी के किनारे से सिलाई लगा रही हूँ, इससे आपके स्लिट्स में फिनिशिंग भी अच्छा आ जाता है। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छे से कोने बन जाते हैं ऊपर की तरफ। तो यहां पर मैं थोड़ा सा क्लोज लेके आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। तो यहां पर हम आ गए हैं। अब इसको घुमाएंगे और यहां पर जो नोक बन गई है पट्टी की, जो बहुत सुंदर लगती है, इसे अच्छे से यहां पर एडजस्ट करके लेंगे और फिर इस नोक के ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपको ऊपर की तरफ नोक नहीं बनानी तो आप वहां से सीधी सिलाई आगे की तरफ लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से भी मैंने इसको किनारे से सिलाई लगा दी। अब इसको घुमाते हुए यहां पर इस तरह से रखेंगे
और बिल्कुल किनारे से नीचे तक सिलाई को लेके जाएंगे। तो बस हो गया काम। तो इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अगर हिप में मार्जिन कम है या फिर हिप में टाइट हो रही है कुर्ती तो कैसे करें। तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये स्लिट्स हमारे तैयार है और सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के भी स्लिट्स बनाऊंगी। और हाँ, अंदर की तरफ से भी सिलाई लगाना बाकी है तो वो भी हम हाथों लगे लगा के लेते हैं। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी मैंने बहुत जरूरी चीजें बताई है जो कि आपको बहुत यूजफुल होंगी। तो देखिए स्लिट्स हमारे रेडी है पूरे फिनिशिंग के साथ और सीधी साइड से भी इसका लुक आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे दूसरी दिक्कत ये आई थी कि यहाँ पर मैंने स्लीव्स का कटिंग तो कर लिया लेकिन यहाँ पर मेरा कपड़ा ही नहीं था। तो मैंने वैसे ही कपड़ा कट कर दिया ताकि मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगी। अब जो जुगाड़ मैं अब करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगाया है, बहुत छोटा सा, 1/4 इंच से भी कम है ये। और यहाँ पर इसके दोनों किनारे छोटे छोटे अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ज्यादा मोड़ने नहीं है, पहले से ही कपड़ा कम है तो बस छोटा छोटा अंदर की तरफ मैंने मोड़ दिया है। इसी तरीके से आपके ड्रेस में, साड़ी में कहीं पर भी कट लग जाता है तो ये जुगाड़ जरूर आजमाइएगा, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों तरफ अंदर की तरफ मोड़ दिया है और इसके ऊपर हम आयन करके लेंगे ताकि जो फोल्ड किया है अंदर की तरफ वो बना रहे। तो बस थोड़ा सा ही आयन मैंने करके लिया। तो ये देखिए कपड़ा अंदर की तरफ बहुत बारीक मैंने फोल्ड करके लिया है। अब जितना कपड़ा हमें कम पड़ रहा है उतना ही कपड़ा आपको दूसरा लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा पेस लिया है, मैचिंग कपड़ा लोगे तो भी चलेगा और अगर वही कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने लिया है ये रिवील सिविल टेप, ये कुछ फ्यूजिंग पेपर की तरह काम करता है, बहुत पतली सी लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट रहती है और इसकी खासियत ये है कि इसे गर्म होने पर यह मेल्ट हो जाता है और कपड़े के ऊपर चिपक जाता है। मैं जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से इसके पीसेस कट करके लूंगी। रिविल सिविल टेप मैंने अमेजोन से परचेस किया है, अगर आपको चाहिए तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दो पीस मैंने कट किए। अब जहां पर हमें कपड़ा चिपकाना है बिल्कुल उसके नीचे रखना है, ठीक। तो यहाँ जहां पर मैंने ये बारीक फोल्ड किया है वहां से हमें कपड़ा चिपकना जरूरी है तो बिल्कुल उसके नीचे मैंने रख दिया। थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये दोनों पीस यहाँ पर रख दिए। अब इसके ऊपर गर्म आयन को कुछ सेकेंड्स के लिए रखेंगे, जैसे ज्यादा नहीं, और रखने के बाद फिर उसको उठाएंगे क्योंकि पहले से ही घुमाने लग जाएंगे ना तो वो जो नीचे की तरफ है वो हिल जाएगा। अब ये मेल्ट हो चुका है और कपड़ा भी चिपक गया है। यहाँ पर अगर हम रफू वगैरह करते हैं तो उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता, इसलिए ये मैजिक ट्रिक जरूर आजमाइएगा। अब देखिए कपड़ा बहुत अच्छे से चिपकता है, धोने के बाद भी नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आप बहुत जोर से खींचते हो तो निकल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, ये कोई ग्लू नहीं है कि ये धोने के बाद निकले, ये पिघल जाता है गर्म करने के बाद और कपड़े को पकड़ के रखता है तो ये बहुत अच्छे से चिपकता है। अगर आप बहुत जोर से खींचोगे तो निकलेगा लेकिन ये इजीली नहीं निकलता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बारीक सिलाई चाहो तो ऊपर से लगा सकते हो, एकदम बारीक वाली सिलाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एकदम आसानी से फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे मैं कट कर दूंगी। इसी तरीके से आपके साड़ी में वगैरह कहीं पर कट हो लग जाता है, सूट में कट लग जाता है या कहीं पर आपको जोड़ लगाना पड़ता है तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब ये इतना ही काम नहीं करता रिवील सिविल टेप, ये और एक जरूरी काम करता है, जैसे कि आपका होल पड़ा हो कपड़े में, साड़ी में, या फिर कहीं पर कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा जल गया है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। तो वो भी मैं आपको झट से बता देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, आपका होल कहीं पर पड़ जाता है, जल जाता है तो उसको भी आप कैसे रिपेयर करोगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर रिवील सिविल टेप के दो छोटे छोटे पीस काटे हैं क्योंकि जितना आपका एरिया है उतना कवर करना है आपको, और ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, उसके ऊपर रिवील सिविल टेप रखोगे, उसके ऊपर दूसरा पैच, मैचिंग पैच कोई भी कपड़े का रख दीजिएगा और आयन गर्म करके उसके ऊपर रख देना है कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद उसके ऊपर आप घुमा सकते हो आयन को। तो ये देखिए, ये जब तक मेल्ट होके कपड़े को पकड़ नहीं लेता तब तक आपको आयन को घुमाना है। अब आप कहोगे कि सिल्क का कपड़ा है तो कैसे करें। तो सिल्क का कपड़ा है तो उसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा रखे इस तरीके से और उसके ऊपर आयन कर सकते हो। तो ये मेरा कॉटन का कपड़ा है इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इसके ऊपर कोई दूसरा कपड़ा रखने की।
तो ये देखिए, ये हो गया। अब देखो नीचे की तरफ ये होल होने के कारण रिवील सिविल टेप नीचे की तरफ से कपड़े को चिपक गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए ये वाला पैच तो बहुत अच्छे से लग गया और यहाँ से आपको होल भी नजर नहीं आएगा। अब आप ऊपर से भी एक बार आयन को घुमा दीजिएगा ताकि जो होल से थोड़ा थोड़ा सा दिखता है ना रिवील सिविल टेप, वो भी मेल्ट होके निकल जाता है। यहाँ पर ही देखिए कोई निशान नहीं छोड़ा और आपका ये बहुत अच्छे से रिपेयर भी हो गया। इसके ऊपर कोई सिलाई वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, धोने की बात भी ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, बस एक्स्ट्रा का कपड़ा मैं कट कर दूंगी। तो ये थी आज की कुछ चीजें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।